नहीं बेटा, तुम्हें इस टाइम पे क्या बोलना है? मम्मी, मुझे रुखसत नहीं होना है। क्या? हे लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी अभी तो निकाह हुआ तुम्हारा, और तुम किस तरह की बातें कर रही हो? उम्मीद बेटा, चुप क्यों? क्यों नहीं जाना चाहती? आंटी, आपके बेटे ने मुझे झूठ कहकर नाटक करके शादी के लिए मजबूर किया है। ये तुम क्या कह रही होंगी? जी बाबा, मैं सच कह रही। इन सब लोगों ने मिलकर खुदकुशी का नाटक रचा है। अरे क्या ऑलफॉल बक रही हो? मारू, क्या सिखाया अपनी बेटी को? क्या कह रही है ये? आंटी प्लीज प्लीज, आप अभी चुप हो जाएं। बताओ उम्मीद, क्या ये सच है? ये सरासर झूठ है। अरे उम्मीद और जुनेद तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उम्मीद, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ क्या ये सच है? यही सच है आंटी। जुनेद, तुम बाबा प्लीज, यही सच है। दोनों फैमिलीज के दरमियान जो झगड़े थे, उसकी वजह से मेरी और उम्मीद की शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उम्मीद को राजी करने के लिए मैंने अपनी छोटी खुदकुशी का ड्रामा किया। जिसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। और मैं आप सबसे शर्मिंदा भी हूं, लेकिन आज रुखसती से पहले मैं उम्मीद को सब सच्चाई बता चुका हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे नए रिश्ते की बुनियाद किसी झूठ पर हो। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी थी तुम्हें। सलमत प्लीज, जुनेद अपनी गलती मान रहा है ना, तुम उससे और सवाल क्यों कर रहे? और वैसे भी अब ये इन लोगों का अपना मामला है। इस मामले पे घर जाके भी बात कर सकते हैं उम्मीद, अभी तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? नहीं आंटी, मैं उस वक्त तक यहाँ से रुखसत नहीं होंगी जब तक जुनेद मुझसे और मेरी फैमिली से माफी नहीं मांग लेता।